बीजेपी आरएसएस जो विचारधारा फैला रहे उस विचारधारा से लड़ने के लिए जब तक गांधी जिंदा रहे तो वो विचारधारा जीवित नहीं हो पाई, चल नहीं पाई। जयप्रकाश जी जिंदा रहे तो वो विचारधारा ज्यादा चल नहीं पाई। लेकिन ये विचारधारा का जवाब विचारधारा से होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि युवा हल्ला बोल को देश का नेतृत्व करते हुए विभिन्न जाति, विभिन्न समाज के तबके और सारे लोगों को एकजुट होकर खड़ा करना चाहिए, तब आप इस चुनौती का जवाब दे पाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे नजर आती है कि अगर तबस्सुम जी स्वीकार करें तो इस देश को एक युवा नेतृत्व के रूप में उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि उनमें वो है। और हल्ला बोल के जो साथी यहाँ बैठे हैं, युवा हल्ला बोल के जितने भी, इन साथियों ने पहले से अनुमान लगाया कि एक युवा आंदोलन देश में आ सकता है और निरंतर कोशिश करते रहे, और वो आंदोलन अब आ गया, यानी उसका एक नया चरण शुरू हो गया। अब ये आंदोलन एक बड़ा व्यापक आंदोलन हो सकता है अगर हम सारे लोग इन्हें अच्छे से सपोर्ट दें। तो इन साथियों को अब रुकना नहीं है और बहुत तेजी से काम करना है। चारों तरफ आपको सपोर्ट मिलेगी और युवा हल्ला बोल को एक संगठन के रूप में, एक युवा नेतृत्व के रूप में सामने आना चाहिए और इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, जयप्रकाश जी ने जो हमें बात सिखाई, हमने दो चार बातें उनकी बड़ी मूल पकड़ी और जिंदगी भर जी लिया उस बात को। एक बात थी कि 30 साल से नीचे के लोगों का नेतृत्व, अगर हमें संघर्षवाणी नहीं मिलती, कोई ऐसा संगठन मिलता जिसमें बड़े बड़े लोग लीडरशिप में बैठे होते, तो शायद हम लोग इतनी कम उम्र में नेता नहीं होता। हम लोग 22-23 साल की उम्र में हम खुद भी अपने बड़े बड़े राजे महाराजाओं से टकरा रहे थे, सत्ता से टकरा रहे थे, और नेतृत्व की कला हमारे पूरे देश में, हमारे सारे साथियों के बीच में, चाहे बक्चरण हो, कोई भी हो, सबके अंदर आ गई। उड़ीसा में गंधमार्दन का आंदोलन हो गया, वहाँ वो आंदोलन हो गया, बौद्धिया का आंदोलन हो गया। तो हम सब ये सब इसलिए कर पाए कि हम सारा निर्णय लेने वाले अंडर 30 लोग थे और अपना नेतृत्व बनाते थे। तो मैं तो 30 साल की उम्र के बाद ये कोशिश करता रहा हूं कि अंडर 30 वाले नेतृत्व में सामने आए और हम उनकी सहयोगी भूमिका निभाए। तो हमने एक संगठन युवा भारत बनाया, इस देश में हजारों नौजवान उससे जुड़े और साम्राज्यवाद को, क्योंकि लड़ाई बीजेपी के भी पीछे जो है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोग, लड़ाई आपकी उनसे है, और अगर उस लड़ाई को ध्यान करेंगे तो ये छोटी लड़ाई है, इसके पीछे के लोग बड़े हैं, उनसे एक बड़ी लड़ाई इस देश को बचाने के लिए लड़नी पड़ेगी। तो हमारे युवा भारत के बहुत से साथी, अक्षय और एक युवा क्रांति संगठन बनाया जो अन्ना आंदोलन से निकले, अभी इन्होंने अक्षय और रवि कुहार ने और हिमांशु ने, इन सब ने मिलकर 400 नौजवानों का एक मीटिंग की, 400 नौजवान इसी दिल्ली में, और उसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, मैंने इन्हें जरूर तैयार करा लेकिन आगे का काम इन लोगों ने खुद करा। लेकिन वो 400 नौजवान आ जाने का भी कारण यह है कि देश में एक परिस्थिति नौजवानों को इस लड़ाई में उतारने की ओर पहुंचा रहे। प्रकृति अपना जवाब खुद लिखती है और हम अगर उसे समझ लेते हैं तो उस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये लड़ाई आगे आने वाली है और युवा हल्ला बोल को ये नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। तबस्सुम जी से भी आप बात कर लें कि वो आपके साथ जुड़ के काम करें। और जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, बहुत से लोगों ने उसकी तारीफ की, बहुत से कसीदे पढ़ दिए, बहुत शानदार आंदोलन रहा, लेकिन ऐसा नेतृत्व जिस नेतृत्व ने इस सारे आंदोलन को गर्त में पहुंचा, क्यों? और फिर सुनीलम जी बता रहे थे कि जो चक्का जाम करवाए, भारत बंद कर देते हैं। हमने बड़ा किसान आंदोलन लड़ा, महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी, शरद जोशी भी थे, सब लोग पॉइंटेड आंदोलन लड़ते थे, नेताओं के साथ लड़ते थे। ये पूरे देश में हमारा संगठन कहाँ है, कहाँ नहीं है पता नहीं। ट्रेड यूनियन वाले हमारे साथ खड़े थे, उन्होंने कह दिया कि पूरे देश में बंद कर दें, कहीं बंद नहीं होता। आप रेल में चक्का जाम कर रहे हैं, मेरे यहाँ बहुत मजबूत संगठन है टिकैत का भी और किसान यूनियन का, और जब तक हम नीचे से दम ना लगाएं कोई चक्कर जाम नहीं होता। तो ऐसे हवा में आंदोलन फेंकने की बात पार्टियों की होती है, आंदोलनकारियों की नहीं होती।
तो एक मजबूत आंदोलन आज आपस में उसका नेतृत्व बट भी रहा, और जब समय वो नेतृत्व में थे तो शायद जितनी चुनौती महेंद्र सिंह टिकैत ने हम लोगों के साथ स्वीकार करी, ये आंदोलन यहाँ बैठ के भी नहीं कर पाया, ये भी इसका कमी है। तमाम एनआरसी के मुस्लिम लोग संगठन में आते रहे, कोई आंदोलन की तरफ से उनकी देखरेख वाला नहीं कि वो जुड़ जाए, कौन दलित बैठे पड़े हो उनसे वो जुड़ जाए, कोई देखने वाला नहीं। इससे ज्यादा तो टिकैत आंदोलन में हमने गांव गांव दलितों के घर जाकर वो खाना खिला दिया। तो भैया गांव के हम ये कहना चाहते हैं कि युवा हल्ला बोल को देश का नेतृत्व करते हुए विभिन्न जाति, विभिन्न समाज के तबके और सारे लोगों को एकजुट होकर खड़ा करना चाहिए, तब आप इस चुनौती का जवाब दे पाए। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं मैं, वो बात यह है कि वैचारिक तौर पे जो हमारे सीनियर साथी हैं, तो लड़ाई कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल होती है। आप जो लड़ना चाहते हैं काहे से, बीजेपी आरएसएस जो विचारधारा फैला रहे, उस विचारधारा से लड़ने के लिए जब तक गांधी जिंदा रहे तो वो विचारधारा जीवित नहीं हो पाई, चल नहीं पाई। जयप्रकाश जी जिंदा रहे तो वो विचारधारा ज्यादा चल नहीं पाई। लेकिन ये विचारधारा का जवाब विचारधारा से होगा, तो हमें गांधीवाद की उस बात को सीखना पड़ेगा कि उन्होंने भारतीय समाज को सांस्कृतिक तौर पर खड़ा करते हुए सांप्रदायिक शक्तियों को कैसे शिकस्त देने, और अगर उसके गहराई से हम जाके उस चीज को खड़ा करेंगे तो वैचारिक जवाब से ही उसे शिकस्त देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।